दिस इज़ एजाज भाई और दिस इज़ नईम भाई। आज इन दोनों के एटा टेस्ट है। तो अभी सही है तुक्के सीख रहे हैं, तुक्के कैसे मारते हैं भाई साहब। ये एटा टेस्ट नहीं है, हमारा टिकट है। अच्छा अच्छा इनका एम टिकट है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने मैंने केपीके बोर्ड्स पढ़ा, इसलिए मुझे एटा लग रहा है। बार बार वही नाम मेरे मुँह में रिपीट होते हैं। तो ये नईम भाई है, आज इनसे पूछ लेते हैं तैयारी कैसी है। और ये मेरा एजाज भाई, इनसे भी पूछ लेते हैं कि तैयारी कैसी है और आज ये क्या कुछ कर सकते हैं। अभी सही है, प्रैक्टिस तो इसकी जारी है। और नईम भाई ने अभी नहा लिया है मेरे ख्याल में, इसलिए तैयारी कैसी है सबसे? और कितने स्कोर करोगे? स्कोर का मुझे नहीं पता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जीत जाओगे आज के टेस्ट इंशाल्लाह। और मतलब टोटल कितने नंबर है? टोटल 200 नंबर है। 200 नंबर है, 200 में से कितना आना चाहिए आप? मतलब आपका आपका मतलब इंशाल्लाह गेट कर सकोगे आसानी से? आसानी से। तो इस टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा? नेक्स्ट टू डेज। ठीक है, हो गया। बेस्ट ऑफ लक नईम भाई। और इसके बाद आप गर्म हो जाए। और अभी आते हैं हमारे एजाज भाई के पास। अच्छा एजाज भाई, आप तो अभी वार्म अप भी कर रहे हैं, तो आपका क्या सीन है, आज क्या कुछ कर सकोगे? बस आज तैयारी, बस पूरी फुल तैयारी लेकर आए हैं, इंशाल्लाह जाएंगे तैयारी के साथ, उधर पेपर देंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, तो आपका इसने तो कहा है कि 170 प्लस में एमसीक्यूज ठीक करूंगा इंशाल्लाह। और करूंगा नहीं करना तो मुझे दोस्त हो भाई, मैंने कहा 170 मुझे ठीक करना है। अच्छा ठीक करना है 170। और आपका क्या राय है, इसने तो कहा 170 इंशाल्लाह 180 से ऊपर मतलब क्रॉस करना है, अगर इससे नीचे हुआ तो फिर। अच्छा अच्छा, तुक्के मारना है, जो करना है 180 और वहाँ क्या क्या फन है कि एक एक 150 पे तुक्के पर अगर टाइम खत्म हुआ तो फिर क्या करेंगे? ये तुक्कों से काम नहीं होता है भाई, ये प्रैक्टिकल काम है। अच्छा प्रैक्टिकल तुक्के लगाए तो हम 10 मिनट पे में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो तुक्कों का फायदा नहीं है ना, वो तुक्के भी पढ़ के फिर तुक्का लगाना पड़ता है भाई, उस पे भी टाइम। हां बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आता है ना वो एकदम हम करेंगे तो एकदम इंशाल्लाह सारा स्कोर। हम अपना टाइम बगैर कंज्यूम किए बगैर हम जल्दी करेंगे, जो आते पहले करेंगे और जो नहीं आते थोड़ा मतलब तुक्के लगाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और इंशाल्लाह आपके साथ मेरा आमिर भाई भी आ रहा है। आमिर भाई, आप दोनों भाई के साथ जा रहे हो, तो इनको अच्छी तरह मोटिवेट करके लेके जाना। और इन दोनों के साथ आपका क्या है? मतलब इन दोनों को क्या कहना चाहोगे? मैं सोच रहा था, मैंने कहा कि इन दोनों के साथ आपका क्या है, तो आप कहोगे मेरी दुआएं। सिर्फ इस वक्त यही कह सकता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, और कुछ भी नहीं कह सकता। अच्छा बेस्ट ऑफ लक, इंसान को वही कुछ मिलता है जो इंसान मेहनत करता हो। और आज नईम भाई और एजाज भाई ने मेहनत किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका फल आज मिलने वाला है। आज एटा एमकेट ऑल पाकिस्तान नेशनल मेडिकल टेस्ट आज हो रहे हैं, तो उसके लिए मेरे साथ मेरे एक कज़न है और एक मेरा दोस्त है, वो भी इस टेस्ट में शामिल है। तो आमिर भाई अभी उनको लेके जाएगा, उनको ड्रॉप करेगा। तो आप सबकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है और इंशाल्लाह डॉक्टर बनेगा मेरा भाई। असल में सीन ये है कि हमारे घर से उधर मेट्रो स्टेशन तक या कोई गाड़ी लेना हो, कुछ करना हो, तो उस वहाँ तक पैदल जाना होता है, तो मुझे नहीं पता। खैर नहीं भाई को पता है सब कुछ। कल आपका हाल कौन सी जगह में? हाल NKS का जो मेन सेंटर है, प्लाट नंबर 96 और स्ट्रीट नंबर 4 HZ इस्लामाबाद। अच्छा बेस्ट ऑफ लक ब्रो, और इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा बाहर बैठ के, इसके साथ मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ देसी नेमन। और आज का दिन इंतहाई अहम है मेरे लिए, नईम भाई के लिए स्पेशल। और अल्लाह ताला हमेशा इसका चेहरा रोशन अता फरमाए, मेरी दुआएं इसके लिए। और बात यह है कि आज एम डी केट का टेस्ट है, कौन सी हाल में होगा, कहाँ होगा, ये मुझे नहीं पता। नईम भाई के उसमें स्लिप में होगी और ट्रैफिक, लोगों का क्राउड कितना है, और वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं तो इसलिए बन रहा हूँ, मुझे व्लॉग मिल रहा है,
और आज एक ज़बरदस्त टाइटल है देख और उधर देख देख लिए और एक लड़की जा रही है वो भी टेस्ट के लिए जा रही है इसलिए कह रहे देख ले बच्चा है ठरकी मेंशन करना लाजमी था लाजमी था तो मैं क्या कह रहा था भूल गया ठीक है आगे मिलते हैं बस हम अभी स्ट्रीट 4 पहुंच गए इस्लामाबाद जहां हमारा टेस्ट है नहीं भाई का टेस्ट है हमारा नहीं वहां अभी हम पहुंच गए तो अभी जा रहे हाल की तरफ हाल कहां है पता नहीं वो देख रहे आमिर भाई आज बहुत एक्साइटेड है क्योंकि भाई का टेस्ट है नहीं भाई का और दूसरी साइड पे ट्रैफिक जाम है इसलिए हमने सोचा कि हम यहां से पैदल जाते हैं थोड़ा सा पैदल वॉक करेंगे हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच गए अभी यहाँ टेस्ट होगा रश बहुत ज़्यादा है तो मेरे साथ आमिर भाई भी है A few moments later. ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है भाई वेट कर रहे हैं एक बजे तक यहाँ टेस्ट कंप्लीट होगा उसके बाद चले जाएंगे तो फिर ये क्या सीन है नीचे ये तो सिंपल लोगों का सिंपल स्टाइल है ये सिंपल लोगों का सिंपल स्टाइल है इस टाइम जो लोग टेस्ट दे रहे थे वो सब अंदर जा रहे और जो अंदर जा रहे थे उनमें से एक मेरा भाई नईम भी था ही इज़ माई पटर्नल कज़न वो भी टेस्ट के लिए अंदर गया हुआ है तो हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं और टेस्ट देने के लिए आए हुए हैं उनके साथ साथ उनके फैमिलीज़ भी है और उनके पेरेंट्स है उनके भाई है बहन है जो कैंडिडेट टेस्ट दे रहा है उनके साथ सारे फैमिली वाले आए तो रश बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा और यहाँ के मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ और ये पीछे आपको नज़र आ रही है ये इसका नाम क्या था इसका एमडिकेट ये एमडिकेट हाल है इस बार यहाँ पे आया हुआ है एमडिकेट हाल इस्लामाबाद में होंगे बहुत ज़्यादा हाल आते हैं लेकिन ये हमारा जो टेस्ट होना है नेशनल टेस्ट सर्विस आ जाए अच्छा 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 ये है नेशनल टेस्ट सर्विस का हाल और यहाँ पे 6th फ्लावर नेम का कौन सा हाल था 6th फ्लावर रूम नंबर 654 रूम नंबर 654 हाल 6 नेम भाई गया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाल है यहाँ पे ये आप गिन सकते हैं आसानी से One eternity later. अभी तक लोग इंतज़ार में आप पीछे देख सकते हैं ये आके अक्सर लोग यहाँ बैठे हुए और ज़्यादातर लोग बाहर है और हम कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं यहाँ पे क्योंकि रश बहुत कम है तो हम यहाँ आके बैठे हुए हैं अभी सीन्स कुछ ऐसे है कि अब भी नहीं निकले 2 घंटे होने वाले हैं अभी भी नहीं निकले तो शायद अभी निकल जाएंगे अभी मुझे लगता है कि वो 11:30 बजे निकल जाएंगे यहाँ पे करेक्शन है 11:30 बजे नहीं बल्कि 1:30 बजे निकलेंगे तो 11:30 बजे तक इस तरह वेट करते बैठ के इस तरह नीचे सादगी अच्छी लगती है मुझे इस साल के अंदर है हमें क्या पता अभी इस साल के अंदर क्या होता है लेकिन आई होप अच्छा होगा जो होगा तो अल्लाह ही बेहतर करेगा आमिर भाई व्लॉग बन रहे हैं ये बिजी है अपने अपने कामों में सारे बिजी है 2000 years later. Room number and double room number. नहीं भाई आ गया इस टाइम सलाम कलाम कर रहा है किसी के साथ ये आ गया शेर ये आ गया इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं मिलेगा सर डॉक्टर साहब इंटरव्यू नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा यार पूछो जो पूछना पूछो अच्छा आपके टेस्ट के बारे में पूछो यानी घर में जाके पूछो अभी पूछो घर में किसको पता है सो जाऊंगा जाके भूल जाऊंगा फिर इस टाइम नईम भाई बता रहे हैं आमिर भाई को कि मेरे साथ टेस्ट का कुछ ये हुआ है डॉक्टर साहब बच्चे चेहरे पे स्माइल है काफ़ी